ये देखिए बोल रहा है भाई चुप हो जा, नहीं तो साले एक फोन में ना बंदे आ जाएंगे मेरे राजनेता जी के पास। भाई मीटिंग करना बहुत ही बेकार चीज़ है भाई, इसके तो मैंने दिए टुट्टे पे ही तगड़े तगड़े। अच्छा तूने मेरे को बुला लिया, नहीं तो मर मर चुका होता। हे गाइस वेलकम टू आर जी गेमर। गाइस कैसे हो आप सब? तो गाइस आज मैंने एक बहुत अच्छा सूट पहन रखा है। तो गाइस आपने बाहर देख लिया होगा थंबनेल एंड टाइटल में कि भाई आज मैं क्या करने वाला हूँ। तो गाइस आज मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है एक बहुत बड़े राजनेता से। तो भाई साहब वो जो है वो एक अमित शाह जी हैं, और गाइज आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो अमित शाह जी जो है उनकी पावर क्या है और वो क्या करते हैं। तो भाई साहब उनसे मेरी मीटिंग है, और गाइज बस फ़ोन पे उनसे मेरी बात इतनी हुई है कि भाई एक बहुत बड़े राजनेता के खिलाफ हमें मीटिंग करनी है, कुछ प्लानिंग करनी है जो तुम ही वो काम कर सकते हो। तो भाई साहब मेरे को बोला गया कि तुम वहाँ पर अकेले आना और मैं भी वहाँ अकेले आऊँगा। तो भाई साहब मेरे को तो बिलीव लगता नहीं कि अमित शाह जी वहाँ पे अकेले आएंगे, क्योंकि गाइस वो एक बहुत बड़े राजनेता हैं और उनकी कितनी ख़तरनाक सिक्योरिटी होती है। मैंने ड्राइवर को बोल दिया भाई ड्राइवर तो मेरे पीछे रहेगा और छुप के रहेगा, कोई भी दिक्कत हो भाई हमला बोल दियो, ठीक है। तो मैंने पूरा प्लानिंग कर रखा है अपने ओर से भी, और अमित शाह जी का मुझे बिल्कुल नहीं पता, बस वहाँ पर एक बहुत बड़े राजनेता के खिलाफ मेरी मीटिंग है अमित शाह जी से। तो देखते हैं क्या मीटिंग होने वाला है। तो गाइस फटाफट चलते हैं, वो सीक्रेट लोकेशन मैंने मैप में मार्क कर दिया है, ठीक है। तो फटाफट हम जाते हैं अपनी, उठाते हैं कार। और गाइज मैंने सूट शार्ट तो पहन लिया है कि इसलिए कि भाई अमित शाह जी से मीटिंग है तो भाई बहुत अच्छी होने वाली है, तो मैंने सूट पहन लिया है। और भाई साहब यहाँ टाइम हो रहा है रात का, ठीक है। तो मैं कार में बैठ जाता हूँ फटाफट, ये वाली कार से जाऊँ ना। तो गाइज मैं कार के अंदर बैठ चुका, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ फटाफट। तो गाइज अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। तो भाई साहब आज तो मीटिंग करके रहेंगे, आज तो भाई इतनी बड़ी पहुँच होगी हमारी कि हम एक राजनेता से मीटिंग करने जा रहे हैं भाई, जो कि सबकी फाड़ सकते हैं, सबकी हिला सकते हैं दुनिया। ओ भाई साहब, तो गाइस कार में अगर बिल्कुल भी नहीं ठोकनी, क्योंकि अभी तक उस मोड्स की प्रॉब्लम चली रही है मेरे साथ, वो मैं करता हूँ पूरा, आज आज हो जाएगा कंप्लीट वो, ठीक। तो बस फटाफट चलो। तो भाई साहब वो सीक्रेट लोकेशन है, मैं आपको लोकेशन बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, आपको मालूम होगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तब। तो भाई साहब अभी रात का टाइम हो रहा है, और गाइस मीटिंग के लिए मुझे अमित शाह जी ने रात में बुलाया था। तो भाई साहब तो सोचो जब रात में बुलाया था कुछ सीन सपट्टा हो सकता है, और मेरे को पता नहीं कि वो मतलब एक भी सिक्योरिटी लेके नहीं आए। तो गाइस देखो ये गेट है, तो मुझे इसके अंदर जाना है, ठीक है। और गाइस देखो आगे देखो कितनी सिक्योरिटी है, तो पता नहीं ऐसी जगह। ओए भाई रुक जा यार, रुक जा भाई, और रुक जा, रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, अपना मोड़ लिया मेरे को यहीं छोड़ दिया। तो भाई साहब फटाफट चलते अंदर। तो गाइस मैंने ड्राइवर को बोल दिया, और ड्राइवर को आपको पता ही है कि ड्राइवर कितना डेंजर बन गया, वो सबके ऐसी जैसी कर दिया। तो गाइस देखो यहाँ पे ना सारे बंगले हैं, तो ये भी किसी राजनेता का बंगला है, लेकिन गाइस जो अमित शाह है उस वो अंदर हैं उस वाली बिल्डिंग में, और मेरी मीटिंग वहाँ पर है फिक्स। तो चलते हैं देखते हैं क्या होने वाला है मीटिंग में। तो भाई साहब पता नहीं कुछ क्या खतरा है या नहीं है, और भाई साहब वो पता नहीं किस किस बड़े राजनेता के खिलाफ मीटिंग करने वाले मेरे साथ, तो ये भी नहीं पता। बस हम पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, एंट्री हो चुकी है हमारी। और गाइज ये देखो ना मेरी एंट्री कैसे हो गई, मतलब बिना वो मतलब विदाउट चेकिंग हुई है एंट्री, है ना, तो किसी ने मेरी चेकिंग भी नहीं की। तो गाइज ये देखो ये है पूरी बिल्डिंग जहाँ मेरी एक मीटिंग होने वाली है, ये देखो भाई भाई साहब ये है पूरा बिल्डिंग तगड़ी सी। तो गाइज यहाँ हो रही है मेरी मीटिंग, और अभी टाइम हो रहा रात का। तो भाई साहब माइकल तो सूट वूट पहन के आ चुका था, चलते अंदर अब देखते हैं अमित शाह जी मिलते हैं या नहीं मिलते, या पता नहीं कोई और। तो गाइज़ हम भी बहुत उसमें आए हैं सूट शार्ट पहन के कि भाई देख लेंगे आज तो। और सबसे बड़ी बात कि मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, और जब ड्राइवर मेरे साथ है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर संभाल लेगा अकेले। और पता नहीं मेरे को ड्राइवर कहाँ है, लेकिन मैंने पक्का उसको बोल दिया तो वो मेरे पीछे पीछे ही होगा। अमित शाह जी का जो मेरे फ़ोन में लोकेशन आ रहा है वो उस साइड आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सीढ़ी से मुझे ऊपर जाना है, तो वो ऊपर है मेरे ख्याल से ना। देखते हैं भाई मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, थक थक गया मैं तो, इतना पैदल ये लोग मुझे चला रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई अमित शाह हैं जी हैं तो इतना तो चलना चाहिए उनके लिए। भाई साहब रात का टाइम है, ओ भाई साहब यहाँ पे कोई नहीं यार, देखो पूरा जैसे कि ना शमशान घाट टाइप में कुछ आगे में चांद निकल गया भाई सामने, और ये पता नहीं कौन सी जगह है। ओ भाई साहब गाइस वो रहे अमित शाह जी, जो कि GTA 5 के अमित शाह हैं ये, ठीक है। और यहाँ माइकल आ चुका है,
तो यहाँ मीटिंग स्टार्ट होगी। ये बोल रहे भाई एक बहुत बड़े राजनेता उनको टपकाना है, ठीक है। और ये बोल रहे माइकल यार तुम अकेले आ गए यार, भाई सब क्या मजा आएगा। ये बोल रहे फिक्र मत कर तुम यार, मैं हूं ना यहाँ पे, मानता भाई। ओ शिट भाई सब, इनको इनको किसने बुलाया यहाँ पे? भाई सब पुलिस वाले हैं। अरे अमित शाह जी फालतू बोल रहे हैं। ओ भाई रंगे हाथ पकड़ ले, तो इसलिए भी फालतू बोल रहा है। अरेस्ट मी फॉर व्हाट? लेकिन भाई माइकल संभाल लेगा। फकिंग क्राइम अंडर द फकिंग सन। ओ देन लेट मी रीफ्रेज। ओ भाई साहब। व्हाई? बिकॉज़ अरे ये ले यार। ये मीटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई, यहां मीटिंग मेरे ख्याल से कैंसिल होने पहुंचने वाली, कैंसिल हो जाएगी। ओ अमित शाह चौड़े में आए हैं। चुप हो जाओ सारे, सबको गोली मार दूंगा। अमित शाह जी बोल रहे हैं, अमित शाह जी बोले चुप हो जाओ सारो, तुम्हारी ऐसी ऐसी तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, राजनेता यहाँ पे राजनेता। ये बोल रहा है तू होगा लेकिन अभी तू पिट सकता मेरे हाथ से। ये भाई कोई होगा हेड बेड होगा मिलिट्री वाइज का, फौजी फौजी होगा, इसको पता नहीं अभी ड्राइवर पीछे ही है मेरे, उड़ा देगा। ये देखिए बोल रहा है भाई चुप हो जा, मेरे दोस्त वाले एक फोन में ना बंदे आ जाएंगे मेरे। ओ भाई साहब ये ले, अब आगे FBI वाले, इन्होंने ले अब आगे मिलिट्री बेस। अब ये मीटिंग तो पक्के कैंसिल है, और अमित शाह जी ने पता नहीं ये इनकी प्लानिंग थी या क्या हो रहा है। माइकल की भी फट रही है थोड़ी थोड़ी, वो माइकल तो हिल रही है। ये माइकल वो सोच रहे क्या हो गया भाई, मीटिंग थी मेरी, सूट भी पहन के आया था मैं तो, अमित शाह भी सूट पहन के आए थे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अमित शाह बोल रहे क्या हो रहा है, वो गोली मार दी, वो ले सब गोली मार दी। ओ भाई साहब अमित शाह जी भाग रहे, मुझे ही भागना चाहिए भाई, अमित शाह जी भाग रहे भाई, अमित शाह जी भाग रहे हैं, पर कोई भी ना गन वन कुछ नहीं है भाई। ओ हेलीकॉप्टर आ गया भाई, ओ भाई साहब ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। ओ भाई साहब मुझे पहले वो चेंज करना चाहिए भाई, बंदा तेरी ऐसी जैसी रुक जा, ये ले तेरी ऐसी जैसी, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा। तो भाई पहले मैं चेंज करता हूँ, ये वाली लेता हूँ गन, लेकिन भाई मेरे पास गन वन है, टेंशन ना लो भाई। अमित शाह जी भाग गए यार। ओ भाई साहब हेलीकॉप्टर, गाइस रात का टाइम है यार। ओ तुम्हारी फक, ओ भाई साहब गोली मार रहा है तगड़ा। ओ ट्रैवर भाई आ गए, भाई साहब ट्रैवर को मैंने बुला रखा था, ये ले। ओ भाई साहब अब देखो ट्रैवर क्या दिखाया कमाल, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओ भाई गोली मारी ट्रैवर ने तगड़ी, अब गया हेलीकॉप्टर, माइकल को मारेगा माइकल। भाई माइकल भाग रहा फटाफट, ये कौन है? ओ देख सोच रहा माइकल, माइकल टेंशन ना ले, तूने बोला था ना मैं आ गया। वाह भाई वाह, तू ऐसा आएगा मुझे पता नहीं था। माइकल की फटी पड़ी तगड़ी से, और ट्रैवर यहाँ पे भाई पूरा खुले आम इनकी ऐसी ऐसी करेगा। ये एक बंदा गया, एक और गया, और तू भी गया, ये बंदा बचा भाई, तू भी गया, और कौन सा है, तू भी गया, और भाई इसके तो हेडशॉट दिया तगड़ा है ना। तो चलते हैं अब इसके पास भाई, ट्रैवर ने कर दिया अपना काम तगड़ा। ओ भाई साहब अब बहुत तुम्हारी भार है ऐसी कैसे। तुम्हारी ऐसी कैसे कौन है? एक और बंदा है, एक और बंदा है सामने, ये रह गया। तुम्हारी एक बंदा उठ रहा है साले, उठेगा, उठ मत यहाँ पे, उठ मत भाई माइकल गुस्से में बहुत। तुम्हारी ऐसी कैसे टॉर्च 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 ऑन करके मारूंगा सबको। ड्राइवर भाई साथ में है, अमित शाह जी भाग्य भाई, अमित शाह जी भाग्य, मुझे पता नहीं अमित शाह जी मुझे छोड़ के क्यों भाग्य। और ये भाई मीटिंग थी ये किया क्या था पता ही नहीं भाई, राजनेता जी के पास भाई मीटिंग करना बहुत ही बेकार चीज़ है भाई, राजनेता से मीटिंग करना बहुत ही बेकार काम है भाई। आज के बाद कभी नहीं आऊँगा मैं किसी राजनेता से मीटिंग करने, यहाँ से भागो फटाफट, हेल्थ भी कम हो रही है, बंदा ना मार दे। अमित शाह जी तो मेरे को छोड़ के भाग गए भाई साहब, चलो फटाफट। एक बंदा जरा तुम्हारी ऐसे कैसे, चलो और कहाँ बंदे, रुक जाइए रुक जाइए। ओहो अमित शाह जी ये रहे, ओ भाई माय फ्रेंड अमित शाह जी, तुम अभी तक यहाँ पे नहीं हो, रुक जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी। ये कौन मार रहा है भाई, छुप पहले माइकल, छुप जा बेटा छुप जा, नहीं तो बंदे मार दो बेटा। और कहाँ बंदे, यहीं था एक बंदा, तो मार दिया अमित शाह जी ने भाई। अमित शाह जी के पास भी है गन वन, अमित शाह भी लग रहा है स्ट्रॉन्ग है पावरफुल, अमित शाह भी मार रहे गन वन, एक तो इसकी ऐसी वैसी सर पर मारूंगा गोली, इसके हेड शॉट दिया, हेलीकॉप्टर भाई ऊपर मारी ऐसी वैसी, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, ले। ड्राइवर मर गया हेलीकॉप्टर का भाई, ये ले। ओ भाई साहब निकलो भाई फटाफट,
अब मिश्रा जी के पीछे चलते हैं क्योंकि भाई वो एक राजनेता है, हमें सेफ लेके निकल सकते हैं यहाँ से। तुम्हारी ऐसे जैसे ये ले काम भागे, काम भागे बेटा, काम भागे। ले और कौन सा बंदा है, ये ले और कौन सा भाई, यहाँ से फटाफट लिख निकलो कारोबार। इसके तो मैंने दिए टुट्टे पे ही तगड़े तगड़े भाई, ये वाली कार लूँगा मैं फटाफट। तो गाइज फटाफट लो कार लेके निकलो। अरे कौन सी कार उठा रहा है भाई, ये वाली उठा रहा है, चल भाई ये वाली लेके चल भाई फटाफट 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 भाई। यहाँ फाइटिंग हो रही है, अमित शाह जी बोल रहे तुम निकलो यहाँ से, बाद मीटिंग करेंगे। अमित शाह भी निकल रहे हैं वहाँ से, मेरे ख्याल से ले ली कार, वो देखो आगे निकल रहे हैं अमित शाह जी, तो उनको निकलने दो भाई पहले। और हेलीकॉप्टर पीछे गाइज बोलिए यहाँ से फटाफट, ये देखो गाइज ये निकला, अमित शाह जी निकले मेरे ख्याल से, बहुत तेज़ जा रहे भाई ये तो। भाई कौन सी कार मिली तेज़ तगड़ी वाली, ओ भाई साहब बहुत डेंजरस मीटिंग थी। और आखिर कार ड्राइवर ने मेरी जान बचा ली भाई, ड्राइवर फिर एक ड्राइवर को मैं देना मारता हूँ, धन्यवाद भाई ड्राइवर भाई मेरी जान बचाने के लिए। मैंने इसलिए तो बोल रखा था ड्राइवर को, ओ भाई साहब ये कहा जा रहा है शाह जी, देखो तो शॉर्टकट लिया क्या उन्होंने तुम्हारी, ऐसी कैसी। मैं भी जाऊँगा यहाँ से फटाफट, निकलते हैं घर यार, गेट वेट खुले हैं यहाँ के। तो भाई साहब रात का टाइम हो रहा था, ये रात का मिशन था भाई। ओ भाई साहब अमित शाह जी तो बहुत तेज़ भाग रहे हैं तगड़े से। मीटिंग होगी कैंसिल ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे सारे मतलब मेरे ख्याल से ना किसी सीक्रेट खुफिया एजेंट्स को मालूम हो गया था कि भाई यहाँ पे वो चल रही है मीटिंग तगड़े से। तो भाई ड्राइवर ने मुझे यहाँ बुलाया था किसी सीक्रेट जगह पर, और ये ड्राइवर बोल रहा है अरे क्या यार तू छोटे मोटे मीटिंग में जाता है। माइकल बोला राजनेता था यार तू, बच्चा है यार, अच्छा हो तूने मेरे को बुला लिया, नहीं तो मर चुका होता। बोला यार क्या करो यार, बहुत बड़े राजनेता थे। अब माइकल क्या करे, ड्राइवर बोल रहा है भाई ऐसे मीटिंग में जाकर प्लानिंग होती नहीं तगड़ी, आगे से तू याद रखियो मेरे को साथ लेके चलियो, अच्छा हो तूने मेरे को बोल दिया। बोला भाई मैंने इसलिए तेरे को बोला है, चल बेटा बच गया तू इस बार क्योंकि ड्राइवर साथ था। बोला चल भाई मैंने इसलिए तेरे को बुलाया, बोला सारे आगे से भाग गया गोली मार दूं तेरे। बोला साल बहुत मीटिंग करने का तू, अकेले अकेले नोट छापेगा, मैं इसको तो पूछ लेता। आगे से गया ना देख ले भाई, ट्रैवल सबको फाड़ देता है, चाहे माइकल हो या फ्रैंकलिन हो। वो बोल रहा है चुप रहना, गलती हो गई यार ट्रैवल भाई। बोल रहा है ज़्यादा मत बोल, बोल रहा भाई लास्ट बार बोल रहा हूँ। बोला भाई क्या कर रहा था यार, बच्चों वाले दिमाग है तेरा। आज ट्रैवल नहीं होना भाई, माइकल खत्म था तगड़ा। तो गाइज आपको वीडियो की क्वालिटी कैसे लगी और वीडियो कैसा लगा, तो गाइज वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा। और ये मिशन पास हो चुका है, बस ये थोड़े फोन में बात हो रहे हैं। अब मैंने बुलाया जो मेरा कोच था ना बड़ू, देखो उसको फोन मिलाया है और स्पीकर बात कर रहा हूँ और ट्रैवल सुन रहा है बात। तो भाई साहब ये बंदे ने मेरी मीटिंग अरेंज करवाई थी, ये जो मेरा ब्रो कोच है ना, तो सारे फसाद का जड़ यही है, इसको ही हम ट्रैवल मिलकर उड़ाएंगे। ये देख पता नहीं ब्रो हो गया, पता नहीं क्या चाहता है हमसे। अब देख वो बोला हैप्पी हो गया भाई, फॉरगेट अमिगो, अच्छा तो नहीं था बड़ा हेल्प। चलो गाइज ओके बाय बाय, मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा।